हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड यहां पे एक तरह से बोनस आपको देने की घोषणा की है। आपको पता होगा, इसका न्यूज आपने देखा होगा। और यहां पे बेसिकली रामा स्टील की बात करें तो ये स्टॉक बेसिकली अगर सिक्स मंथ में देखें तो बहुत कुछ रिटर्न यहाँ पे देता हुआ नजर नहीं आया। वन ईयर में 29% का रिटर्न दिया और फाइव ईयर्स की बात करें दोस्तों तो 963% का। तो लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक तो अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आया रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। तो इसी स्टॉक के बारे में आज जानने वाले हैं और यहाँ पे बोनस से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी आपको बोनस देती हुई नजर आएगी। तो कितना शेयर पे कितना शेयर आपको बोनस दे रही है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, उस पर भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन बोनस से रिलेटेड पहले आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि बोनस क्या है, बोनस के क्या फायदे हैं, तो यहाँ पे लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में यहाँ पे चैनल पे जाइएगा और चैनल पे यहाँ पे आपको टाइटल वीडियोस में मिल जाएगा बोनस शेयर क्या है, इसके क्या फायदे हैं, पूरी जानकारी उदाहरण सहित आपको डिटेल्स में यहाँ पे 21 मिनट का वीडियो आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे इससे आप बोनस रिलेटेड पूरी चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, आई होप। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट के लिए मुझे और मेरे टीम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन किसी भी प्रकार की बाय सेल करने की कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रामा स्टील ट्यूब्स की और यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर अगर हम देखें तो प्रीवियस सेशन में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिला और इनकी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो इनके प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिलेगा, जो स्टील से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती हुई नज़र आती है। स्टील पाइप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रामा स्टील जो है काम करती हुई नज़र आती है। 300 एम्प्लॉय के साथ 47 प्लस ईयर्स एक्सपीरियंस है, ISO सर्टिफाइड है और यहाँ पे 400 प्लस प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी है रामा स्टील्स। तो यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी के जो बोनस है, यहाँ पे कंपनी ने बोनस जो अनाउंसमेंट किया है, बेसिकली आपको जो देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा कि 19 मार्च का यहाँ पे एक्स डेट रखा गया है और यहाँ पे जो रेशियो दे रही है 2:1 की रेशियो पे है। तो 1 है जो आपका शेयर है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ओरिजिनल शेयर है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ पे 2 है जो यहाँ पे कंपनी आपको एक्स्ट्रा शेयर देगी, एक्स्ट्रा बोनस शेयर होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी एक्स्ट्रा शेयर दे रही है 2:1 में एक्स्ट्रा शेयर दे रही है आपको। तो यहाँ पे 2 शेयर, मतलब एक शेयर के बदले आपको कंपनी 2 शेयर देती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्राइस एडजस्टमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो प्राइस एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है वो सारा चीज़ें मैं उस वीडियो में बताया हूँ जो मैंने अभी आपको चैनल पे दिखाया था दोस्तों, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए जो आपको सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी की तो अभी के टाइम पे एक्स डेट से पहले अगर बाइंग करते हैं, अभी के टाइम पे अगर बाइंग करके चलते हैं तो आपको बोनस मिलना बिल्कुल तय है दोस्तों। तो बोनस के क्या फ़ायदे होंगे और ये सब सारी चीज़ें आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे रेड फ्लैग्स किसी भी प्रकार का नहीं है कंपनी के अंदर। एंट्री पॉइंट देखें तो एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है और ये कंपनी का रिकॉर्ड्स रहा है। 2016 में बोनस स्प्लिट दी, 2022 में स्प्लिट दी, 2023 में बोनस दी और फिर से ये बोनस दे रही है। तो बोनस में बोनस ये कंपनी खूब देती रहती है अपने शेयर होल्डर को। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो अभी के टाइम पे मार्केट कैप है जो 2057 करोड़ का देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉक है जो अगर हम देखें तो लो जो 26 रुपये का लगाया है लेकिन अभी करेंट प्राइस 41 रुपया 70 पैसा पे देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 6 रुपया 25 पैसा का, स्टॉक कापी 61 पे है और यहाँ पे कंपनी के जो EPS जनरेट हो रही है 70 पैसा का EPS जनरेट करती हुई नजर आ रही है। प्रमोटर यहाँ पे बहुत अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे 57% से ज़्यादा होल्डिंग है जो प्रमोटर के पास है। और डेप टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल 0.46% का है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेप तो नहीं कर सकते हैं रिजर्व, क्योंकि कंपनी के पास 258 करोड़ का है और यहाँ पे डेप कंपनी के पास 142 करोड़ देखने को मिल रहा है। कंपनी रामा स्टील ट्यूब्स है जो 1974 में एस्टेब्लिश हुई, वन ऑफ द इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स की कंपनी है, जो PVC और GI पाइप्स और स्क्वायर सेक्शन प्रोडक्ट्स बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आती है कंपनी है। और यहाँ पे इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ इसका पेट्रोस्की स्कोर है जो उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्राम नंबर के अकॉर्डिंग जो प्राइस होनी चाहिए 9.94 रुपये और करीब करीब 10 रुपये का। इतनी छोटी कंपनी के अंदर FIS एंड DIS भी है, तो ये भी हम देख लेते हैं कि अभी FIS एंड DIS
यहाँ पे इस कंपनी के अंदर क्या करते हुए नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो FIS ने तो यहाँ पे अपनी होल्डिंग को सेल करते हुए नजर आए, जो 4% की होल्डिंग रखे हुए थे तो कंटिन्यू इन्होंने सेल किया है। DIS की बात करें तो DIS यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो DIS ने भी अपनी होल्डिंग कम किया है और FIS ने भी अपनी होल्डिंग कम करते हुए नजर आ रहे हैं। पब्लिक के पास जो होल्डिंग देखने को मिल रहा है, यहाँ पे काफी अच्छा खासा होल्डिंग है जो पब्लिक के पास 41% होल्डिंग हो गया है, जो पब्लिक के पास यहाँ पे 29-30% होल्डिंग रहा करता था। तो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास भी है। प्लस यहाँ पे प्रमोटर भी 2021 से अब तक देखें तो प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग को कम करते हुए नजर आए हैं इस कंपनी के अंदर। दोस्तों यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है किस प्रकार से यहाँ पे कंपनी का आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो बेसिकली दिसंबर क्वार्टर में यानी Q3 क्वार्टर में जो कंपनी का जो सेल्स रहा उसमें यहाँ पे सेल्स में गिरावट है। 300 350 करोड़ से यहाँ पे 262 करोड़ पे सेल्स आ गया है कंपनी का। एक्सपेंसेस है जो 340 करोड़ पहले ज़्यादा था, अब यहाँ पे 245 करोड़ उसका एक्सपेंसेस रहा। मार्जिन में यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है 7.80 करोड़ से बढ़ के 8.92 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बढ़ने का मेन रीजन है कि यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज होना और यहाँ पे एक्सपेंसेस है जो कंपनी का यहाँ पे मैनेज करना, एक्सपेंस अपनी कंपनी खर्चे पे लगाम लगाती हुई नजर आई है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो तो इंटरेस्ट भी थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आया है रिसेंट क्वार्टर में, तो इंटरेस्ट का रेशियो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो अच्छा खासा इम्प्रूव होता हुआ नजर आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो मार्च 2015 से अभी के टाइम तक देखें तो सेल्स 192 करोड़ से बढ़ के 1177 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी का जो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई कंपनी प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है अभी के टाइम पे, और इसी सभी वजह से यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व है, तो यहाँ पे कंपनी बोनस देती हुई नजर आ रही है। कंपनी यहाँ पे बोनस अपने रिजर्व में से देखती है। कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैप के ऊपर किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट बोनस से नहीं मिलता है दोस्तों। अगर कंपनी यहाँ पे आपको बोनस दे रही है तो ये अपने मार्केट में इनके पास जो रिजर्व रखा हुआ होगा उसमें से फंड निकाल के आपको यहाँ पे बोनस देती हुई नजर आएगी। लेकिन इनकी जो मार्केट कैप अभी के टाइम पे उतना ही रहेगा, लेकिन इनके जो रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएगा दोस्तों। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इनके रिजर्व्स है जो कम हो जाएगा अभी के टाइम पे, जितना रिजर्व्स है वो कम होके कुछ ही बचेगा या उससे कम बचेगा। तो जितना, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी एक शेयर के बदले दो शेयर कंपनी अपने शेयर होल्डर को देती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे रामा स्टील एंड ट्यूब्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे बेसिकली अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये स्टॉक लंबे समय में अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी के टाइम पे ये अच्छा उतना रिटर्न नहीं दिया, क्योंकि कोविड टाइम पे ये स्टॉक 1 रुपया 2 रुपया पे रहा करता था और अभी के टाइम पे आपको 40-45 रुपये के करीब आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा था रामा स्टील ट्यूब्स की, और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दिया हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और यहाँ पे टेलीग्राम में हमारा ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करिएगा दोस्तों। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। लेकिन किसी भी प्रकार की बाय एंड सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा।